विगत कई माह से न्याय की आस में फसलों को पैदा करने वाला बेबस किसान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कहीं से न्याय न मिलता देख पीड़ित किसान आज एक बार फिर मजबूर होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपनी आपबीती जिलाधिकारी को सुनाते हुए ज्ञापन सौंपा। विगत अप्रैल से कंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर हगना निवासी किसान आरिफ अहमद के गांव के ही कुछ दबंगों ने उसकी तैयार गेहूं की फसल काट कर ले गए थे, जिसकी लिखित शिकायत उसने संबंधित थाने पर की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से लेकर आज तक वह न्याय की आस में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा है। कहीं से न्याय न मिलता देख पीड़ित किसान ने आज जिला अधिकारी ओएन सिंह से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ित आरिफ मोहम्मद ने बताया कि उनके गांव के ही दबंग प्रधान और उनके गुरकों ने उसकी तैयार फसल कटवा के ले गए और वे आए दिन जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। खेती बाड़ी का चला गया सऊदी, मैं देखभाल कर रहा था, लेकिन पड़ीदारों ने और यहाँ मौजूदा प्रधान सदन यादव गब्बू यादव, समस्या ये है कि जबरन जो खेत कटा लिया गया। कौन सा खेत, कहाँ के रहने वाले? मोहम्मदपुर हगना थाना कंपियर में। क्या मामला है बताएं? और कटवा लिया, उसका लड़का जो है चला गया सऊदी, वो हमको पार्टानी लिखे देगा कि आप इसकी देखभाल, जब तो मैं नहीं आता हूँ तो आप देखभाल इसकी करेंगे। लेकिन मैं जिला प्रशासन से लेके थाने से लेके जिला प्रधान दौड़ता रहा, आज 2 महीने का वक्त हो गया, नए मेरे धान गेहूं की बरामदगी हुई, अरहर की ना बरामदगी हुई, तहसीलदार SDM साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बरामदी करूँगा, गिरफ्तारी करूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद तहसीलदार बोलते हैं कि अगर प्रधान को छेड़ने की कोशिश करोगे तो तुमको गिरफ्तार में मुकदमे खुटा दें, जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। तो आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, चूँकि जिलाधिकारी थे नहीं, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया है और परसों जो है तहसीलदार में वार्ता करने के लिए कहा है।